चाहिए, आप इस खुशफहमी में मत रहिए, अभी भी कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस के साथ हमको जीना है। तो नहीं मालूम कैसा होगा, सर्दी और कोरोना वायरस का सामना हुआ, गर्मी और कोरोना वायरस का भी सामना हुआ, अब बारिश और कोरोना वायरस का सामना होने वाला है, तो नहीं मालूम यह कैसा होगा। तो बहरहाल हमको एहतियात करना है, और मैं सबसे कहूंगा कि हालात खराब है, जो भी जितना भी पैसा बचा सकता है उसको बचाना चाहिए। अगर कोई काम उसका पहले एक रुपए में निकलता था, अब अगर 90 पैसे में निकल रहा है, 10 पैसे भी बचते हैं, तो 10 पैसे की भी अहमियत है, खुदा के लिए समझिए इस बात को। मुल्क और दुनिया की मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है, हर इंडस्ट्रीज परेशानी का शिकार है, हर कोई परेशानी का शिकार है। जो बड़ा है उसको बड़े परेशानियां हैं, जो छोटा है उसको छोटी परेशानियां हैं, लेकिन हर इंसान परेशानियों के शिकार है। तो खुदा के लिए किफायतशारी के साथ पैसे को बचाइए, एक एक पैसे को बचाते हुए कम से कम खर्चे में अपनी जिंदगी को गुजारना सीखिए, और लवाजमात और खर्चे और बेजा सरफे से परहेज करिए, एक दूसरे की मदद करिए, पड़ोसियों की मदद कीजिए। और उलमाए कराम ने जो अपील की है, मैं इसकी तायीद करता हूं, और आवाम से अपील करता हूं कि उलमा ने जो हिदायतें दी हैं इस पर अमल करिए।